अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चला यार। आई होप आप ठीक ठाक होंगे। एंड गाइस, आज आपको एक थोड़ी सी सैड न्यूज़ देनी थी यार। आपके भाई का जो फेसबुक पेज है वो हैक हो चुका है। अगर आप लोगों ने मुझे फेसबुक पर फॉलो किया तो आपको पता लग गया होगा, क्योंकि पेज का जो नेम था और डीपी थी वो सब उस बंदे ने चेंज कर दिया जिसने इसको हैक किया। एंड इसको किसने हैक किया मुझे नहीं पता, एंड ये कैसे हैक हुआ वो भी ठीक से नहीं पता। क्योंकि यार, जब मैं सोकर उठा, मेरे दोस्त का मैसेज आया कि आपका पेज हैक हो गया। आई वॉज शॉक कि मेरा पेज हैक हो गया। मैंने जाकर देखा तो यार एसिस नहीं थी मेरी आईडी में उस पेज की। एंड जब मैंने सर्च किया तो सर्च पर भी नहीं आ रहा था, कुछ अजीब सा नाम दिखा रहा था। खैर, उसी नाम को जब मैंने ओपन किया तो वही मेरा पेज था। और ये देखकर भाई मुझे बहुत दुख हुआ। दुख इस बात का था क्योंकि ये मेरी स्टार्टिंग की जर्नी थी, जहां से मैंने स्टार्ट ली थी। मुझे अच्छी ग्रोथ मिली थी मेरे क्लचेस पर। जो मुझे ज्यादा सपोर्ट मिली थी वो मुझे फेसबुक पर मिली थी। वहां से सपोर्ट मिली थी, मैंने टिकटॉक बनाया था, टिकटॉक से सपोर्ट मिली थी, फिर मैंने यूट्यूब ग्रो किया था। जस्ट इमेजिन, आपने एक जगह 2-3 साल लगाकर मेहनत करके एक चीज को बनाया और वो बिना किसी गलती से आपसे चली गई हो तो आपको कैसा फील होगा। यार, मुझे तो ऐसा फील हुआ था कि जैसे अंदर कोई प्यास सी लगी हो, वैसे भूख सी। खाना खाया, पानी पिया, लेकिन वो फिर भी नहीं मिटी यार। मतलब एक अजीब सी चीज है वो, वही जाने जिस पर बीते खैर। अब अगर आप लोग सोच रहे हो पेज रिकवर होगा नहीं होगा, क्या सीन होगा, तो सीन ये है, मुझे जहाँ तक लगता है 95% ये है कि मैंने पेज अपना खो दिया है, वो वापस नहीं आएगा। क्योंकि यार उसके अंदर दो आइडिया ऐड थी। एक मेरी मेन आईडी थी सुफियान नाम की, जो कि मैंने 2014 में बनाई थी। उसके अंदर मेरे पर्सनल पिक्चर वगैरह थे एंड पेज भी उसी के अंदर एडमिन था। लेकिन गलती ये थी, उस पेज उस आईडी के अंदर जो मेल थी ना, वो मेल एक टेम्प मेल थी, mail.com थी, gmail.com नहीं थी। ठीक है, तब मैंने बनाई थी टेम्प मेल और उसके बाद मैं उसको अपडेट नहीं किया। पता नहीं कितने साल गुजर गए, पेज मैंने 2021-22 में बना। अब यहाँ पर मेन मसला पता है क्या है, मेरी पेज से पहले आईडी हैक हुई है। आईडी हैक होती है तभी पेज हैक होता है। तो आईडी के अंदर वही ईमेल लगी थी एंड अब जब मैं लॉगिन कर रहा हूँ उस आईडी को तो वो आईडी का पासवर्ड ओल्ड बता रहा है। एंड जब मैं फॉरगेट कर रहा हूँ तो वो ईमेल मांग रहा है, वो ईमेल जो कि मेरे पास है ही नहीं, 2014 में बनाई गई थी, वो भी एक टेम्प मेल। अब अगर आप में से कोई सोच रहा है कि फालिन तेरी आईडी कैसे हैक होगी, ऐसा कैसे हो सकता है, तूने किसी को आईडी पासवर्ड दिया होगा, नहीं यार, मैंने किसी को भी आईडी पासवर्ड नहीं दिया, सिर्फ मेरे मोबाइल तक ही लॉगिन थी। ठीक है, और उसके बाद उसके अंदर मैंने नंबर भी डाला था। आप लोग कह रहे होगे कि नंबर से फॉरगेट कर लो, तो नंबर उस बंदे ने ऑलरेडी हटा दिया है, तो नंबर से फॉरगेट नहीं हो सकती। जो भी पॉसिबल वे थे मैंने सब ट्राई कर लिए हैं। मैंने एक फॉर्म में मेल भी पूरा फिल करके भेज दिया उनको, जो रिकवरी पेज का होता है। देखो अब उनका क्या रिप्लाई आता है, अल्लाह करे हो जाए ठीक। अब गाइस, इस सारे सीन में ना आप लोग को मैं एक बात बताता हूँ। देखो, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं ना जो दूसरों का बुरा देखकर खुश होते हैं, तो उन लोगों से मैं कहूँगा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। मेरा फेसबुक पेज गया, मैंने कभी भी फेसबुक से एक रुपया भी नहीं बनाया। सो फेसबुक पेज मेरा सोर्स ऑफ अर्निंग कभी था ही नहीं। लेकिन मुझे दुख इस बात का कि मेरी वहाँ पर ऑडियंस थी, मुझे वहाँ पर लोग देखते थे, प्यार करते थे, वो चीज़ मैंने लॉस्ट की। लॉस से मुराद ये है, मैंने फेसबुक ऑडियंस लॉस्ट की, ना कि लोगों के दिल। वो लोग अभी भी मेरे दिल में एंड मैं उनके दिल में हूँ, चाहे वो टिकटॉक पर हो, चाहे वो यूट्यूब पर हो। एंड अगर मैं चाहूँ तो मैं दोबारा फेसबुक पेज बनाऊँ, एंड मुझे पता है मेरी जो पब्लिक है, मेरी जो फैमिली है, वो मुझे दोबारा से फेसबुक पर उतना ही सपोर्ट देगी एंड प्यार देगी। लेकिन अभी मेरा दिल नहीं मान रहा है कि मैं न्यू पेज बनाऊं। अगर इन फ्यूचर कभी सीन बना तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा मेरा न्यू पेज। और यार, मुझे नहीं था पता कि मैं कभी ज़िंदगी में ऐसी वीडियो डालूंगा कि आई लॉस्ट माई पेज गोट हैक। अल्लाह ये दिन किसी को ना दिखाए, ठीक है। बाकी मैंने बहुत सारे प्यारे प्यारे टॉपिक रखे थे वीडियो के लिए कि उन पर मैं वीडियो बनाऊंगा, बट मुझे मजबूरी में ये वीडियो डालनी पड़ गई। तो बस यार, दुआ करना मेरे लिए, ठीक है, इतना बहुत है। एंड बाकी आप लोग को मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा यार, चलते हैं फुल अपने एंटरटेनमेंट पे। एंटरटेनमेंट अपना चालू रहेगा चाहे ज़िंदगी में कैसे भी मोड़ आए। चलो चलो यार, अब सेंटी नहीं होने का बिल्कुल भी, एकदम मस्त मक्खन वॉइस ओवर करेंगे। सामने बंदा है एंड उसके ऊपर मैंने नेड कर दिया और वो यहाँ नेड से नहीं फूटा। अब मुझे लग रहा था एक दो बंदे हैं, तो चलो यार बाबू भैया यहाँ पर शक्ति हुआ यूज़ करते हैं, इनके ऊपर एकदम कतई गलत सा रश कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेरे साथ होने वाला ना भाई साहब, कतई गलत सीन होने वाला है। सीन देखो, अरे भाई मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई भाई साहब। 1 HP कर दिया इसने एंड इसके दो बंदे यहां पर रश कर रहे हैं, तो उनको भी यहां पर 1 HP के ऊपर ही लेकर जाना पड़ेगा।
ये यल्ला हबीबी गोडू लोबी माय फ्रेंड। सो गाइस यहाँ पर आपके भाई ने क्लच कर लिया था। इसी गेम में मैं आगे बढ़ता हूँ अपार्टमेंट की साइड एंड यहाँ पर एक और कतई गलत क्लच होने वाला। आपका भाई गाड़ी लेकर आया एंड सामने देखो क्या होता है भाई। भाई इस बंदे को ये दो हेड नाना पड़ते तो मेरे को ले जाता यार। एमके एंड एमके से भाई खतरनाक गन मुझे नहीं लगता कोई होगी। कतई गलत डैमेज देती है। खैर इसके बाकी के टीममेट पुश कर रहे हैं। ओ भाई साहब ये क्या था यार। भाई भाई कैसे आपका भाई बच गया। एंड यार मेरा मूड खराब है आज। मैं ना इनको तवे कराऊंगा। मेरा तवा किधर है बाबू भैया? मेरे को ऑमलेट बनाकर खाना का यार। अब हंटे अला अरबी कम हेयर वर आर यू रनिंग ब्रो। भाई साहब ये ना अरबी मुक्के शुक्के कराते तो मैं भी इनको आज कराऊंगा पैन वैन। चलो मेरा बच्चा लो भी वेर आर यू रनिंग। अरे भाई ये कौन सी मखलूक है? ये दोनों तो कतई कैंप लगा कर बैठे थे। खैर बढ़ते हैं हमारे अगले क्लच के ऊपर। अब यहाँ पर आपका भाई ये उठाकर आता है कैप्सूल एंड सामने पूरी स्क्वाड है। भाई भाई वन एचपी कर दिया। मैं तो किट लगाएगा, मैंने रिस्क लेने करे बाबू भैया। खैर इनका बंदा देखो इनको यहाँ पर रिवाइव दे रहा होता है गोकचे में, तो मैंने कहा जरा हबीबी ऊपर तो देखो। अला अरबी इबला। सो गाइस यहाँ पर आपका भाई तीन क्लच कर लेता है एंड बढ़ते हमारे अगले क्लच के ऊपर। एंड इस गेम में आपका भाई यहाँ पर सामने देख रहा होता है एंड पूरी टीम आ जाती है गाड़ी लेकर। अब यहाँ पर ये मुझे थोड़ा बहुत डैमेज देते हैं एंड आपका भाई पावर का सही यूज़ करके पीछे आ जाता है। एंड अब यहाँ पर वेट करता है एंड अपनी एनर्जियाँ शर्जियाँ फुल कर लेता है ताकि ये बंदे जब आएँ तो मैं फास्ट फास्ट जिगल ले पाऊँ। ये बात गाइस आपके भाई ने तीन बंदे डाउन कर दिए। लास्ट बंदा बचा एंड उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का आइडिया नहीं था मुझे क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घास घूस है, लेकिन यहाँ पर एक स्मोक हुआ था तो मुझे पता चल गया था ये अपने टीममेट को बचाने के लिए इसने स्मोक किया है। तो एक रैंडम नेड फेंकता हूँ लेकिन नेड यहाँ पर शायद से पूरा सही जाता है, शायद सही जाता है शायद नहीं, और ये नोक को फिनिश हो जाता है गलती से। खैर लास्ट ही बचा है अभी तो यहाँ पर फिर मैं नेड ट्राई कर रहा था। ये यल्ला हबीबी गोडू लोबी माय फ्रेंड। सो गाइस आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको मजा आएगा। अगर मजा आया तो वीडियो कर देना लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय एंड टेक केयर।